नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। गवर्नमेंट जो है रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ चेंजेस करने वाली है, जिसके बाद 5000 से 6000 सीट्स इंक्रीज हो सकते हैं। और आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है, गवर्नमेंट में रिलैक्स नॉर्म्स टू ऑफर मोर MBBS सीट्स। द नंबर ऑफ MBBS एंड PG मेडिकल सीट्स ऑन ऑफर में सी ए ड्रामेटिक राइज स्टार्टिंग दिस ईयर। यानी गवर्नमेंट जो है रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ चेंजेस करने वाली हैं, और ये चेंजेस के बाद जो नंबर ऑफ़ MBBS की सीट्स हैं वो काफ़ी सारी इंक्रीज़ होने वाली हैं। अब ये चेंजेस क्या होने वाले हैं और क्यों होने वाले हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटर ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उन्हें थोड़ा रिलैक्स करने के बारे में कुछ यहाँ पर डिटेल्स दिए हुए हैं। पहले जो है काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे मेडिकल कॉलेज के ऊपर, टोटल नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर। हर कॉलेज में अगर फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होती थी तो उनको MCI सीधा वो लोगों को मना कर देते थे। सीट इंक्रीज़ करने के लिए अब जो रूल्स थोड़े से चेंज होने वाले हैं और MCI थोड़ा सा लीनिएंट हो जाएगी। यानी कॉलेज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ थोड़ी सी कम रहती है तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। MCI उनको कुछ एक्स्ट्रा समय देगा और उनकी सीट भी इंक्रीज़ करने का परमिशन दे देगा। इसका मतलब ये होता है सीट काफ़ी सारी इंक्रीज़ होने वाली है 2019 में और उसके बाद भी। तो ये आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। और यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में दी हुई है एक आर्टिकल में, तो चलिए देखते हैं। द प्रपोजल सीक्स टू अलाउ एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज to increase seats and permit new college to get operational even if they don't meet all the infrastructure facilities recruitment। तो इसका यह मतलब होता है अगर कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, MCI उनको ज़्यादा टाइम देगी कंस्ट्रक्शन और फैकल्टी लाने के लिए और उनका परमिशन कैंसिल नहीं कर देगी। इसका यह भी मतलब होता है कि इस साल काफ़ी सारे सीट्स इंक्रीज़ होने वाले हैं और उनका यह मतलब होता है कि अप्रॉक्सीमेटली 5000 से 6000 सीट इंक्रीज़ हो सकती है इसी साल। तो इतना ही न्यूज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।